अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे हम। डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स है 3 5 4 7 एंड बी मैट्रिक्स 7 -5 -4 3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू 3 5 4 7 7 -5 -4 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 7 3 × 7 + 5 − 4 3 × -5 3 × -5 + 5 × 3 + 5 × 3 4 × 7 + 7 × -4 4 × 7 + 7 × -4 4 × -5 + 7 × 3 4 × -5 7 × 3 7 × 3 = 21 प्लस माइनस हो जाएगा 7 × 4 = 20 3 × 5 = -15 5 × 3 = 15 4 × 7 = 28 7 × 4 = ±28 4 × 5 = -20 ±20 हो जाएगा 7 × 3 = 21 21 - 20 = 1 -15 + 15 will be cancel out हो जाएंगे ये 28 - 28 nothing will be return -20 + 21 1 identity matrix हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। पार्ट टू को हम सॉल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, बी है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एरर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब 1 × -3 + 2 × 2 1 × -3 + 2 × 2 1 × 2 + 2 × -1 1 × 2 + 2 × -1 एग्जैक्टली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -3 2 × -3 + 3 × 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 2 2 × 2 + 3 × -1 अब करेंगे 1 × -3 ± हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 3 2 × 2 = 4 +4 हो जाएगा 1 × 2 = 2 2 × 2 × -1 ± −2 2 × 2 × -3 ± −6 3 × 2 = 6 2 × 2 = 4 3 × −1 −3 4 − 3 = 1 2 × 2 they will cancel to each other 6 + 6 ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को 4 − 3 = 1 तो यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिला। तो हमने चेक कर लिया है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और रिटर्न में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनल में 1 हो और ऑफ डायगनल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एंटिटीज़ हैं वो सारी 0 हो जाएंगी। तो देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिला है और बी को मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सेकंड पार्ट में एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।